हमारे देश की संसद खूबसूरती का पर्यायवाची माने जाने वाली ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की मौजूदगी से गुलजार है, तो ऐसे समय में सदन की खूबसूरत महिला सांसदों की चर्चा करना कोई बेमानी नहीं है। राजनीति की दलदली जमीन पर यह खूबसूरत महिला सांसद ठंडी हवा के झोंके की तरह कभी सादगी तो कभी ग्लैमर का तड़का लगाकर जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए पहली बार सदन में पहुंची तो इनकी खूबसूरती देखकर लोकसभा की धड़कनें थम गई। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीटीवी हिंदुस्तान। आज के एपिसोड में हम लोकसभा चुनाव जीती 76 महिला सांसदों में से 10 सबसे खूबसूरत महिला सांसदों के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें मीडिया ने देश की सर्वश्रेष्ठ खूबसूरत महिला सांसदों के खिताब से नवाजा है। वह महिला सांसद जिनकी वाक्पटुता, बुद्धिमानी के साथ साथ खूबसूरती के चर्चे भी उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे रोज के नए अपडेट आपको मिल सके। खूबसूरत महिला सांसदों की फहरिस्त में 10वें नंबर पर है जयपुर के पूर्व राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी। दिया कुमारी राजस्थान के राजसमंद से लोकसभा का चुनाव जीती हैं भाजपा के टिकट पर। 48 वर्षीय दिया कुमारी पहले सवाई माधोपुर से विधायक थीं। यह चर्चा में आई राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से पहले दोस्ती और बाद में अनबन को लेकर। अभी हाल ही में इन्होंने अपने पति नरेंद्र सिंह से तलाक लिया है। अगला नंबर है पूनम माधव का। पूनम माधव भाजपा की जामनगर सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर आई हैं। 44 वर्षीय पूनम माधव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह की किचन कैबिनेट का हिस्सा मानी जाती है। महाराष्ट्र की रावेर सीट से चुनाव जीती भाजपा की सांसद हैं रक्षा खड़से। सबसे खास बात रक्षा खड़से की यह है कि इनकी उम्र केवल 31 वर्ष है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे के बारे में आप जानते होंगे। हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वह है उनकी दूसरी बेटी प्रीतम मुंडे। इन्होंने महाराष्ट्र की वीड सीट से चुनाव जीता है। इनकी उम्र महज 36 साल है। 3 बार विधायक रहे पिता दलबीर सिंह और 1 बार विधायक और 3 बार की सांसद रह चुकी माँ राजेश नंदिनी सिंह की बेटी है हिमांद्री सिंह। इन्होंने एमपी की शाहडोल सीट से चुनाव जीता है। इनकी उम्र महज 32 साल है। हिमानी पहले कांग्रेस की सांसद थी लेकिन इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा नेता नरेंद्र मरावी से शादी करके सबको चौंका दिया था। भाजपा के टिकट पर ही चुनाव जीती रीति पाठक को सदन की सबसे खूबसूरत महिला सांसदों में से एक माना जाता है। रीति पाठक ने एमपी की सीधी सीट से चुनाव जीता था। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ी और शिवसेना के सांसद विठोबा को हराकर संसद में पहुंची नवनीत कौर राणा के ग्लैमरस फोटो उनके सदन में आने से पहले ही पहुंच गए थे। इनकी खूबसूरती की चर्चा पूरे देश में वायरल हुई। नवनीत कौर राणा के वायरल हुए हॉट फोटोज व बोल्ड फोटोज के ऊपर हमने एक खास एपिसोड बनाया था जिसका लिंक हमने इस वीडियो में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठिए क्योंकि हमारी टीम के मुताबिक देश की 10 सबसे खूबसूरत महिला सांसदों में से तीसरे नंबर पर आ रही हैं महुआ मोइत्रा। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीती हैं महुआ मोइत्रा। इनकी उम्र 40 साल है। इनके भाषण में दम आपको नजर आता है तो इनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे देश में, पूरे सदन में आम हैं। खूबसूरत महिला सांसदों की इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं नुसरत जहां, जिन्होंने संसद के साथ साथ पूरे देश की धड़कनें तेज कर दी हैं। नुसरत जहां अब नुसरत जैन बन चुकी है। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से इन्होंने चुनाव जीता और इन्होंने जैन समाज के निखिल जैन से अभी हाल ही में विवाह किया है। इनकी बिंदी, मंगलसूत्र चर्चा का विषय है।
तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती को हमने ही नहीं पूरे देश के मीडिया ने देश की सबसे खूबसूरत महिला सांसद माना है। पश्चिम बंगाल की जायदपुर सीट से चुनाव जीती मिमी 30 बरस की हैं, ग्लैमर जगत में उनके सौंदर्य की धाक है और अब वो पहुंच गई हैं लोकसभा की धड़कने बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा निष्पक्ष कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले इसी तरह किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान।